हाँ नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों से एक चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखो क्या है ना कि हम सोचते हैं कि हम आप लोगों के कुछ गांव की भाषा में बोल बोल करके बताएं। अब क्या है ना भैया लोग, समस्या इस बात की है कि जब हम ऐसे बात करते हैं ना तो बहुत लोगों का दिक्कत होने लग जाता है। पता क्या है, अब जो हमारे भैया ये शहर वाले हैं तो हो सकता है इनका बुरा लगे कि अन्नू भैया कैसे बात करते हैं। तो देखो भैया, हम ये जानते हैं कि हमारे ग्राम प्रहरी बहुत ही कमजोर स्थिति के हैं और ज्यादातर गांव के हैं। ग्रामीण प्रहरी का मतलब ग्राम। तो भैया लोग, कैसा लग रहा है हमसे बात करके? हमने सोचा आज आप लोगों से बढ़िया फ्रेश माइंड में बात करें और बात ऐसी करें जो आप लोगों के खूब पसंद आए। तो भैया लोग, हमका एक चीज समझ में नहीं आवत है, अब आप ही हमें बताओ। बात यह है कि हम देख रहे हैं कि लोग राजनीति करते हैं, वो सोचते होंगे कि अन्नू भैया को कुछ तो आता ही नहीं, अन्नू भैया को तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो भैया एक चीज बताएं, अन्नू भैया को सब कुछ पता है कि हमारे ग्राम पहरी का शोषण कौन कर रहा है। अन्नू भैया को सब कुछ पता है कि हमारे ग्राम पहरियों का उद्धार कौन चाह रहा है। अन्नू भैया को सब कुछ पता है कि कौन इसमें रोड़ा बन रहा है। लेकिन हम मजबूर हैं भाई साहब, हम अभी कह नहीं सकते। हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमें जंग जीतनी है, हमें झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन ये सच्चाई बताए दे रहे हैं हम भाई, जिस दिन हम अपने ग्राम पहरिन का जंग जीत जाएगा ना भैया, उस दिन हम सबका पोथी पत्रा खोलन चालू कर देवे और दिखा देवे कि कौन कौन चेहरा रहे जो ग्राम पहरी से राजनीति करते रहे। हम वो चैनल चला रहे हैं और चैनल में हमको भी दिखता है कौन एक्टिव है कौन नहीं। जो हमारे भाई एक्टिव होकर काम कर रहे ना, इनका भी नाम हम लेंगे आने वाले समय में। ये ध्यान रखना, ये मत सोचना मेरे भैया कि हम कुछ जानते नहीं। हमें सब कुछ पता है कि कौन हमारे ग्राम पहरी का हित करना चाहता है, कौन हमारे ग्राम पहरी का अच्छा सोचता है। अगर हमारे ग्राम पहरी का जो अच्छा सोचेगा, हम भैया उसका अच्छा सोचेंगे। अगर हमारे ग्राम पहरी का बुरा सोचोगे तो भैया हम फिर बुरे से बुरा बन जाएगा। अब जामे आप दुश्मनी करो, वो आपकी मर्जी। आप कुछ भी हमें कहो, वो आपकी मर्जी। आप हमें गलत कमेंट करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर हमारे ग्राम पहरी की आंखन में आंसू आए और हमें अगर जरा सा भी महसूस हुआ कि हमारे ग्राम पहरी परेशान है और उनसे राजनीति करी जा रही और खासकर ग्राम पहरी से इलीगल तरीके से पैसा लिया जा रहा है, घूस ली जा रही है, ऐसा अगर करोगे तो समझो कि फिर बंटा नहीं बंटाधार ही हो जाएगा, ये मान लो। और अपने ग्राम पहरियन से कहना चाह रहे हाथ जोड़ के, अन्नू त्रिपाठी ना खाता है और ना ही खाने देगा। तो आप लोगों ध्यान देओ कि कौनों का पैसवा ऐसवा ना देओ। अब कुछ हमारे भाई हमको जब फोन करके बोलते हैं भैया धरना हुई है तो बताओ चंदा दे, तो हमने उनसे कहा कि अन्नू भैया के राज में चंदा की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो। क्योंकि अन्नू त्रिपाठी ये कोई चैनल चला के राजनीति नहीं कर रहा है, ये हम अपने भाई लोगों के अधिकार के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं और इसलिए मेहनत कर रहा हूं ताकि हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं इनको इंसाफ दे। अब बाबा योगी, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे ग्राम पहरिन का उद्धार कर दो। ये कान में उंगली निकाल ले, आंखन की पट्टी खोल ले और इनका जो इनका दर्जा है चतुर्थी श्रेणी का राज कर्मचारी इनका घोषित कर दो। बाबा काहे बेइज्जती करवाओ, हमारी नाक कटवाओगे का? आए हमारे ग्राम पहरी बड़ा बुरा मान जाएंगे कि अन्नू भैया ने बड़ी मेहनत करी लेकिन सफलता नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम विश्वास करते हैं बाबा आप पे। हमें उम्मीद भी है कि आप हमारे ग्राम पहरियों को अच्छा सोचोगे। हमारा नहीं सोचना अच्छा, क्योंकि हम तो कोई चौकीदार नहीं है।
लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम इनकी एक आवाज है, तो ये आवाज का थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे बाबा। अरे इनका उद्धार कर दियो, कम से कम उद्धार कर दोगे तो कम से कम कुछ नहीं दुआओं में हमारे ग्राम पर हमें याद तो करते रहेंगे, कुछ तो आप कर ही दो। अब ऐसे भी हम जैसे नौजवानों को सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है, तो फिर चैनल ही खोल के बैठ गए, अभी छोटा मोटा गेस्ट हाउस खोले बैठे, क्या करें, पैसा तो आना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो बाबा हम कोई करोड़पति नहीं है, वैसे भी व्यापारी आदमी है, वैसे भी बिजली बिल माफ आप तो हुआ नहीं, हम तो बहुत झेल गए हैं कोरोना से लेके अभी तक, खूब बिजली बिल भर डाले, जाने कितना पैसा भर डाले, कौन से हमें, हम जैसे व्यापारी का तो कोई इंसाफ है ही नहीं, व्यापारी के लिए तो बाबा आपको सोचे ही नहीं सर। हम कही रहे थे आप गरीबन की सोचो, पर थोड़ा हमारे जैसे व्यापारी के बारे में भी सोचा करो, तो कम से कम हम जैसे व्यापारी आप लोगों का नाम लेत रहा था, और वैसे भी हमारे ग्राम प्रहरी इतने अच्छे हैं, सच्ची बता रहे बाबा, हमारे सारे ग्राम प्रहरी आप ही को वोट करे, आप थोड़े बहुत भटक जाते हैं, आपके बच्चे जैसे, आपका काम है माफ करना, लेकिन अब दो चार दस के चक्कर में हमारे सारे ग्राम प्रहरी कैसे पिसे है ना बाबा। तो बाबा आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ग्राम प्रहरी का उद्धार करो, और वेतन कम से कम बाबा 9,000 से ऊपर तो दे ही दो, यह तो आपसे निवेदन है। फिर बेशक आप उनकी थोड़ी ड्यूटी बढ़ा दो, थोड़ा काम बढ़ा दो भैया, जैसे हमने बताया कि गौशाला वाला जो गांव में जो गाय घूमती हैं उनका कुछ काम दे दो, हमारे ग्राम प्रहरी सब कर डालेंगे, काय बेचारे गांव में ही रहते हैं तो सब कर डालेंगे, फर्जी में काहे दूसरा स्टाफ रखो। तो कहने का मतलब बाबा इनका उद्धार कर दो, उद्धार कर दोगे हम बड़ा नाम लेंगे तुम्हारा, और सारे ग्राम प्रहरी आपको बड़ा दुआएं देंगे, सच में बहुत बेचारे गरीब है, मानो मेरी बात, कुछ है बेचारे जो रोजी रोटी चला रहे, वरना बड़े गरीब है, कैसे शादी करेंगे बच्चों की, कैसे क्या होगा, मुझे बहुत टेंशन होती है मेरे बाबा, कर दो बाबा, आग्रह है, निवेदन है, अब इतनी तो हमारी अर्जी सुन लो ना, तो अगर आपने नहीं करा ना तो सच में बता रहे हैं कि फिर हमारे ग्राम प्रहरी शांत नहीं बैठे, फिर बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है, आंदोलन भी छोटा पड़ जाए, इसलिए बाबा हम नहीं चाहते कि कभी कोई ऐसा काम किया जाए, हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे ग्राम प्रहरी का सम्मान आप वापस कर दो, इसके अलावा आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे ग्राम प्रहरियों का उद्धार कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमें उम्मीद है कि बाबा इसको समझने का प्रयास करोगे, और हाँ चौकीदार भैया, हमारे ग्राम प्रहरी भैया जो वीडियो देख रहे हो ना, हाँ आप ही से बोल रहे, आप देख रहे हो ना, देख तो बहुत मजा ले रहे हो भाई, हंसी उखाओ आ रही हो, हंस रहे हो ना, अरे हंसो यार, हंसाना भी चाहते हैं तुमको, हम चाहते हैं कि तुमको हंसाए, छोटा कलाकारी छिपी है अंदर, लेकिन जाहिर नहीं करते हैं भैया, काहे का कि लोग कहेंगे कह रहे हो अन्नू त्रिपाठी का, वैसे भी कलाकार बदनाम कर देते हैं, लोग कहते हैं कि वो तो नचनिया है, वो गबनिया है, पता नहीं का का बोला था लोग, लेकिन का बोलना दे यार, कबू कबू बीच में इंटरटेनमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, तो हम तो बात अपनी रख रहे हैं, हम सीधे बोल रहे हैं भैया, और हाँ जो राजनीति कर रहे हैं वो कान खोल के सुन ले, आने वाले समय में चिट्ठा खोल देंगे हम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखता है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, लेकिन हमारे ग्राम प्रहरी भैया वीडियो तो देख रहे हो, जगह शेयर कर दे हो, और यो शेयर करियो तो हमें उम्मीद है कि नेताजी जरूर समझने की कोशिश करेंगे, अन्नू त्रिपाठी के हास रस में जो हमने बात कही है ना वो समझने का प्रयास करेंगे। तो भैया एक शेयर करो, लाइक भी करो अपना अगर अच्छा लगे, कमेंट में सलाह दो कि हमने ऐसे बात करी तो आपको अच्छा लग रहा कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो बताओ हमका, और ना ही अच्छा लग रहा तो बताओ भैया, तो अगली बार से हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बताओ जरूर और शेयर जरूर करो, कोई सुझाव हो हमको दो, और मस्त एक्टिव होके रहो भैया, एकता में रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा भाई। तो कैसा लगा वीडियो, मजा आया ना, अच्छा लगा ना, तो भाई और दबा के शेयर करने का, और दबा के कर देने का, इतना दबा के कर देने का कि ना डंका फीड देने का, और एक जो एकता में और एक साथ मिलकर के कोहराम मचाने का। धन्यवाद, नमस्कार, जय जय भारत, अन्नू त्रिपाठी, फिर मिलेंगे दोस्तों जल्दी।